हेलो एवरीवन, इन यू आर वेलकम एट क्रेजी फॉर आईएएस। आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अंदर हम केमिस्ट्री, रिलूसेंट केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद फिजिक्स और फिर बायोलॉजी के बाद अलग अलग पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। और जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन अ प्योर फॉर्म इज नोन एज फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज द मेटलर्जी। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? जो नेचुरल कंपाउंड होते हैं ना, मिनरल आर द नेचुरल कंपाउंड फाउंड इन नेचर फ्रॉम वेयर द मेटल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड। ओर्स क्या होते हैं? द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड ईजिली इज नोन एज द ओर। जितने ओर हैं वो सारे के सारे मिनरल हैं, बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर्स, क्योंकि सारे के सारे मिनरल से हम मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओर से कर सकते हैं। गेज क्या होता है? गेज का मतलब होता है, गेज के साथ एक वर्ड अटैच कर देना, इम्प्योरिटीज़। गेज क्या होती है? इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बस इतना याद रखना है। द ओर जनरली एसोसिएटेड विद द अर्थली इम्प्योरिटीज, जैसे सैंड, रॉक, लाइमस्टोन, इसको गेज बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? इस गेज को हटाने के लिए, इम्प्योरिटी को हटाने के लिए जो सब्सटेंस ऐड किया जाता है ओर में, उसको बोलते हैं फ्लक्स। देर आर टू टाइप ऑफ फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स इज एडेड टू रिमूव द बेसिक इम्प्योरिटी। जो बेसिक इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम एसिडिक फ्लक्स का यूज़ करेंगे, जैसे SiO2, यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स है, प्लस FeO, यहाँ पे बेसिक इम्प्योरिटीज़ हैं। इन दोनों कंबाइन किया तो ये बना फेरस सिलिकेट। बेसिक फ्लक्स इज एडेड टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज़, CaCO3 प्लस SiO2, तो ये बनाता है CaSiO3 प्लस CO2। स्लैग, स्लैग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गेज विद फ्लक्स इन और फॉर्म ऑफ फिजिबल मटेरियल विच इज़ कॉल्ड स्लैग। स्लैग क्या होता है? जब हम मेटल गेज के साथ फ्लक्स को मिलाते हैं तो जो वेस्ट बनता है ना, उसको स्लैग बोलते हैं। गेज प्लस फ्लक्स इज इक्वल इज नोन एज अ स्लैग। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, तो CaSiO3 यहाँ पे स्लैग बन गया। कॉन्सेंट्रेशन, रिमूवल ऑफ द गेज फ्रॉम द ओर इज नोन एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। मतलब हमारे पास कोई ओर है, उसके अंदर से हमने माइनस इम्प्योरिटीज़, ये सिंपल इक्वेशन आप याद रख सकते हैं, माइनस इम्प्योरिटीज़ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वेज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ओर। इसमें दे रखा है एक ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन, फ्लोटेशन प्रोसेस एंड द केमिकल मेथड्स। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिलेटिव एक्टिविटी की हम बात करते हैं कि कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा एक्टिव है और कौन सी मेटल सबसे कम है। तो जो हमारी पोटेशियम है, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल है। उसके बाद नंबर आता है सोडियम का, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड जो है सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है। इस सीरीज़ को थोड़ा सा एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेना, ल्यूसेंट की बुक रिवाइज कर लेना, कि यहाँ पे जो पोटेशियम है ये सबसे हाईली एक्टिव है, गोल्ड सबसे कम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे सबसे कम रिएक्टिव सिल्वर है, और दूसरे पे सोडियम है, तीसरे पे फिर आप याद रख सकते हो Cc, यानी वैसे भी सी थर्ड नंबर पे आता है और कॉपर भी थर्ड नंबर पे आता है, यानी इधर से कैल्शियम हाईली एक्टिव है और यहाँ से कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है तीसरे नंबर का, तो फिर हाइड्रोजन है यहाँ पे, मैग्नीशियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। बस इतना से याद रख लेना कि जो मैग्नीशियम, आयरन, जिंक ये हैं, ये मीडियम है, बीच के हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कैल्सिनेशन।
कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर इज हीटेड जनरली इन द एब्सेंस ऑफ द एयर टू एक्सपेल वाटर फ्रॉम द हाइड्रेटेड ऑक्साइड और द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कार्बोनेट एट अ टेम्परेचर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे नीचे रखते हैं ताकि वो मेल्ट ना हो जाए, लेकिन उसको हीटअप करते हैं, इससे यहाँ पे हमने वाटर निकाल दिया और यहाँ से सी ओ टू निकाल दी। यही इसका मतलब है कि अगर उसके अंदर मॉइस्चर है हमें मॉइस्चर हटाना है, अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है एट अ टेम्परेचर बिलो देन मेल्टिंग पॉइंट। ये इक्वेशन देख लेना, उससे अपने आप याद हो जाएगा। अब आती है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड यूजली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो कौन ये थी हमारे कैल्सिनेशन, ये इन द एब्सेंस ऑफ द एयर थी, जबकि रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है यहाँ पे हम, और ये भी बिलो मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे जेड एन एस प्लस टू ओ टू जेड एन एस ओ फोर बन गया यहाँ पे, यहाँ पे इसके ऑक्साइड हम ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना दिया हमने यहाँ पे, जिंक सल्फाइड से जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फाइड से कॉपर सल्फेट। यह होती है रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। स्मेल्टिंग, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और विद कार्बन एट अ हाई टेम्परेचर इज नोन एज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के लिए यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है Fe2O3 प्लस 3C, तो ये बन गया 2Fe प्लस 3CO PbO प्लस C, यहाँ पे बन गया Pb प्लस CO। A series is obtained by arranging the metals in decreasing order of reactivity, which is known as the activity series. Corrosion, the process of slow conversion of metal into their undesirable product by reaction with the moisture and other gases present in the atmosphere is called corrosion. Yes, slow conversion होता है, इसका पता नहीं लगता, और ये जनरली ऑक्साइड में बनता है। इसके एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, इस चीज़ को याद रखना है। लोहे को जंग लगना तो हमें याद रहता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ वी आर एक्वेंटेड विद, बट जब हम बात आती है कॉपर की, तो कॉपर की ग्रीन कोटिंग के बारे में हम एग्जाम में भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है कि ग्रीन कोटिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ अ कॉपर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, मीन्स द स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इंटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड। टर्निशिंग सिल्वर, जो सिल्वर है उसकी भी चमक थोड़े टाइम बाद फीकी पड़ जाती है, वो भी उसको भी कोरोजन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जो आयरन है, आयरन की रस्ट का जो फॉर्मूला दे रखा है वो है Fe2O3 ऑक्साइड हो गया और हाइड्रोक्साइड भी आ गया यहाँ पे इनटू SH2O। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज एयर एंड मॉइस्चर, स्ट्रेन इन मेटल, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट्सेट्रा आर फैक्टर विच अफेक्ट द कोरोजन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, अगर मेटल कम रिएक्टिव है जैसे कि गोल्ड तो उसमें कोरोजन के चांसेस ऑलरेडी बहुत लेस हो गए, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, एयर एंड मॉइस्चर, हवा या मॉइस्चर की वजह से ही जंग लगता है, वैसे तो लगता ही नहीं, स्ट्रेन ऑफ मेटल एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट अप कर देगा। यहाँ पे कुछ मेटल दे रखी हैं और उनके ओर्स दे रखे हैं, हम डिस्कस करते हैं। जैसे सोडियम, सबसे फर्स्ट जो दे रखा है सोडियम, सोडियम में दे रखा है चिली साल्टपीटर एंड NO3, इसका केमिकल फॉर्मूला है ट्रोना Na2CO3 टू NaSCO3 3H2O। यहाँ पे बोरेक्स बोरोन के लिए भी होता है और यहाँ पे सोडियम के लिए भी दे रखा है, Na मतलब सोडियम, B4 बोरोन, Na2B4O7 10H2O। कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl। ये हैं हमारे सोडियम के ओर्स, चिली साल्टपीटर, ट्रोना, बोरेक्स एंड कॉमन सॉल्ट। दूसरा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कंपाउंड दे रखा है जिसके हमें और याद करने हैं वो है डोलोमाइट CaCO3 MgCO3। अब ये दो मैग्नीशियम के लिए भी हैं और कैल्शियम के लिए भी, डोलोमाइट। ऐसे जहाँ पे हमारे पास दो आयन बने, दो एनायन या दो कैटायन बने, तो उसको डबल साल्ट बोलते हैं। तो ये जो है हमारा डोलोमाइट, ये डबल सॉल्ट है। कैल्साइट होता है CaCO3, जिप्सम CaSO4.2H2O, फ्लोर स्पार ये CaF2, एस्बेस्टस क्या होता है CaSiO3.MgSiO3।
अब बात है एलुमिनियम। एलुमिनियम के अंदर क्या आता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट में आता है Al2O3, 2H2O। दूसरा होता है कोरंडम, Al2O3। फेल्सपार, फेल्सपार होता है KaLSi3O8। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट होता है Na3AlF6। एलोनाइट, एलोनाइट होता है K2SO4, Al2SO43, 4AlOH3। क्योलाइन, क्योलिन क्या होता है? एलुमिनियम का एक और है काओलिन। यह होता है इसका केमिकल फॉर्मूला 3Al2O3, 6SiO2, 2H2O। जो केमिकल फॉर्मूला है जनरली ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आएगा, सिंपल केमिकल फॉर्मूला आएगा, लेकिन ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल रटे होने चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट है, केमिकल फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखना चाहिए। पोटेशियम, पोटेशियम के जो हमारे ओर हैं उसका नाम है नाइट्रेट, यानी सोल्पीटर भी हम इसको बोलते हैं, KNO3। और कार्नेलाइट, KCl MgCl2 6H2O। और ये कार्नेलाइट क्या है? डबल सोल्ट है, क्योंकि इसके अंदर दो कैटाइन बनेंगे। आगे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का है मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3, CaCO3, एप्सम सॉल्ट MgSO4 7H2O, क्यूसराइट MgSO4H2O, और कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। स्ट्रॉन्शियम, आगे हमें दे दिया स्ट्रॉन्शियम। स्ट्रॉन्शियम क्या होता है? स्ट्रॉन्शियम होता है इसका जो और है स्ट्रॉन्शिने, स्ट्रॉन्शियनाइट, SrCO3, सिलेस्टाइन, सिलेस्टाइन, SrSO4। आगे दे रखा है कॉपर, कॉपर को होता है क्यूपराइट। कॉपर का जो ओर होता है वो क्यूपराइट, और दूसरा होता है वो कॉपर ग्लैंड्स, तीसरा है कॉपर पाइराइट्स। तो जो दे रखा है क्यूपराइट, Cu2O, Cu2S, CuFeS2। आगे दे रखे हैं सिल्वर, सिल्वर का होता है रूबी सिल्वर एंड हॉर्न सिल्वर। इसको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि इनके दो जो भी ओर हैं दोनों में लगा हुआ है सिल्वर, तो बाय डिफॉल्ट इसको हम याद रख सकते हैं, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। और अगर इसकी जगह दे दे जर्मन सिल्वर, तो ये जो एक जर्मन सिल्वर है इसको याद रखना है। जर्मन सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड के जो ओर हैं वो है कैलेवराइट एंड सिलेवेट, सिल्वेनाइट्स, कैलवेराइट एंड सिल्वेनाइट्स। बेरियम के हैं बेराइट्स, जिंक के हैं जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंकाइट, ZnO, और कैलेमाइट, ZnCO3। मरकरी का जो है वो है सिनाबार, सिनाबार जो ओर है वो है मरकरी का। टीन का जो भी ओर है उसका नाम है कैसेटराइट। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? आपने कैसेट सुनी होंगी, टीन की कैसेट, इसको ऐसे याद रखना है, टीन की कैसेट्स, टीन की कैसेट से याद रखोगे कैसेटराइट। बस लेड, लेड गैलिना, लेड गैलिना, एंटीमनी स्टाइबेंटाइट, कैडमियम ग्रेनोसाइट, कैडमियम ग्रेनोसाइट। और जो कैडमियम का यूज़ होता है यूरेनियम के जो रिएक्टर होते हैं, जो थर्मल रिएक्टर होते हैं, उसके अंदर एज अ मॉडरेटर का काम करता है कैडमियम, और इसका जो ओर है उसका नाम है ग्रेनोसाइट। इसको याद रख सकते हैं, जो यूरेनियम है, यूरेनियम से हमारी ग्रीन एनर्जी बनती है, उसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है, और उस ग्रीन से याद रख सकते हो ग्रेनोसाइट, और ये हो इसको जोड़ दो कैडमियम से। बिस्मिथ, बिस्मिथ से बन सकता है, इसका नाम ही दे रखा है बिस्मिथो, बिस्मियुथोआइट, आयरन हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट, आयरन पाइराइट एंड कोपराइट। जो राइट है वो आयरन है, आयरन इज ऑलवेज राइट।
ये राइट वर्ड ज़्यादातर इसके उसमें दे रखा है, हेमेटाइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट, आयरन पायराइट, कॉपर राइट, जिसके अंदर ज़्यादातर राइट दे रखा हो। तो अगर तुक्का भी मारना पड़े तो इस ढंग से पढ़ो कि अगर आपको तुक्का मारना पड़े ना, तो आप एक तुक्का मार सको कि जैसे आयरन के जो ओर है ना उसके अंदर राइट आता है, तो क्या पता है आपका तुक्का लगी जाए कि इसके अंदर हेमेटाइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट आए। कोबाल्ट, कोबाल्ट का मतलब होता है स्मेल, स्मेल लाइट। अब इसमें भी आ गया, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर स्मेल है, और स्मेल किसकी ज़्यादा ख़राब होती है, वो कोबाल्ट की। निकल, निकल में हो गया मिलेराइट, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो है वो प्रायो लूसाइट और मैग्नाइट। यूरेनियम का कार्नेलाइट, कार्नेटाइट, हमने ऊपर कार्नेलाइट पढ़ा था, यहाँ पे कार्नेटाइट दे रखा है, तो कार्नेलाइट किसका है वो याद रखना, एलुमिनियम का, ये कार्नेटाइट है। और आगे दे रखा है पिच ब्लेंड, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब अलॉय, अलॉय में क्या करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट मेटल को मिक्स करके अलग से एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, उसको अलॉय बोलते हैं। मेटालिकली इंटीमेटली मिक्स सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट एट लीस्ट वन ऑफ विच इज़ अ मेटल, उसमें से एक मेटल होती है, इस वजह से इसको एलॉय बोलते हैं। एलॉय आर होमोजीनियस, मोल्टन स्टेट के अंदर होमोजीनियस होते हैं, क्योंकि सारे लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टी एक एक होती है, लेकिन ठंड होने के बाद प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है। यहाँ कुछ एलॉय दे रखे हैं, उनकी कंपोजिशन दे रखे हैं और उसका यूज़ दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाओ तो इस टेबल को रिवाइज करके ज़रूर जाना। इसके अंदर जो पहले दे रखी है वो है ब्रास। ब्रास क्या होती है, कॉपर, 70% कॉपर और 30% जिंक, और इस बर्तन बनाने के अंदर ब्रास का यूज़ होता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कॉपर 90% होती है और SN यानी टीन 10% होती है। ये कॉइन बनाने में, बेल बनाने में और यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ होती है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि मंदिर की घंटी कौन से मेटल की बनी होती है, तो वो ब्रॉन्ज की बन सकती है क्योंकि यहाँ पे बेल दे रखा है। जर्मन सिल्वर, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता, तो जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता, यहाँ पे 60% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है और 20% निकल होता है। इसका भी यूज़ तकरीबन बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड किसे कहते हैं, 90% कॉपर और 10% एल्यूमिनियम को रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। चीप ऑर्नामेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। गन मेटल, गन मेटल के अंदर 10% कॉपर, 1% टीन, 1% जिंक और 88% लेड होता है। गन बनाने में, बैरल्स बनाने में, गियर्स बनाने में, बियरिंग बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब है डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल के अंदर कॉपर होती है 60%, जिंक होता है 38% और आयरन होता है 2%। इट इज़ यूज इन मेकिंग ब्लेड ऑफ एरोप्लेन। मून्स मेटल, मून्स मेटल के अंदर कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 40% और कॉइन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डच मेटल, डच मेटल के अंदर कॉपर होता है 80%, जिंक होता है 20% और आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। मोनल मेटल, मोनल मेटल में कॉपर होता है 70% और निकल होता है 30% एंड फॉर बेस कंटेनर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रोज मेटल, रोज मेटल में बिस्मिथ होता है 50%, लेड होता है 28% और टीन होता है 22%। ऑटोमोबाइल ऑटोमेटिक फ्यूज़ बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, रोज मेटल का। सोल्डर, इसमें लेड होता है 50% और टीन होता है 50% और सोल्डरिंग के लिए इसका यूज़ होता है। मैग्नेलियम, एल्यूमिनियम होता है 94% और मैग्नीशियम होता है 5%। एरोप्लेन को बनाने के लिए मैग्नेलियम का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही हल्की मेटल है। ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियमिन, एलुमिनियम 94%, कॉपर 3%, मैग्नीशियम 2% और मैग्नीज 1%। बर्तन बनाने में इस एलॉय का यूज़ किया जाता है। टाइप मेटल, टाइप मेटल के अंदर टीन होता है 5%, लेड होता है 80% और एंटीमनी होता है 15%। प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अब ये बेल, जो मंदिरों में हमारी घंटी होती है उसको बेल मेटल बोलते हैं। इसके अंदर कॉपर होता है 80% और टीन होता है 20%। बैल के लिए और स्टैचू के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील,
स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन होता है 75%, क्रोमियम होता है 15%, निकल होता है 10% और कार्बन होता है 0.05%। बर्तन बनाने में और सर्जिकल कटलरी को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। निकल सॉल्ट, जो हमारा निकल स्टील है उसके अंदर आयरन 95% और निकल 5% होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर एंड ऑटोमोटिव पार्ट। अमलगम, अमलगम क्या होता है? एन अलॉय इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट मेटल इज मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। एन अलॉय द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट एलिमेंट आर रिटेन्ड बट सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी आर इम्प्रूव्ड। कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर यूज, ये कुछ दे रखे हैं, इसी क्लास के अंदर इसे कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। पहले दे रखा है इसके अंदर फेरस ऑक्साइड, पहले दे रखा है फेरस ऑक्साइड। ग्रीन ग्लास बनाने के अंदर फेरस सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑफ द ऑर्नामेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक सॉल्ट में इसका यूज किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड का। फेरस सल्फेट Fe4O7H2, डाई इंडस्ट्री के अंदर और मोर सॉल्ट के अंदर इसका यूज किया जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, लेबोरेटरी रिएजेंट और मेकिंग मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आयोडीन I2, एंटीसेप्टिक में आयोडीन का यूज़ किया जाता है एंड मेकिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन। कमेंट में बताना कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है। ब्रोमीन इन डाई इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री के अंदर ब्रोमीन यूज़ किया जाता है और लेबोरेटरी रिएजेंट में भी ब्रोमीन यूज़ किया जाता है। क्लोरीन, क्लोरीन मस्टर्ड गैस बनाने में यूज़ किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। मस्टर्ड गैस जो है हमारा फर्स्ट केमिकल वेपन है, फर्स्ट केमिकल वेपन जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज़ किया गया था, मस्टर्ड गैस, और ये क्लोरीन से बनती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये यूज़ किया जाता है एक्वारीजिया बनाने के अंदर। पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्वारीजिया क्या होता है, तो एक्वारीजिया 3 कंपोनेंट इसके अंदर HCl के होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक कंपोनेंट नाइट्रिक एसिड को होता है HNO3 एंड डाई। जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको बोलते हैं H2SO4, इसको एज अ रेजेंट की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड इन द लेड स्टोरेज बैटरीज। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एज एन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द बेस रेडिकल ग्रुप सेपरेशन। सल्फर, सल्फर एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, गन पाउडर एंड मेडिसिन। अमोनिया NH3 एज अ रेजेंट इन द आइस फैक्ट्री। फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस रिफ्रिजरेंट इन द मैच इंडस्ट्री एटसेट्रा। वाइट P4, रेड किलिंग एंड द मेडिसिन। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन इन हीटिंग फर्नेस, चीप फ्यूल एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो ये प्रोड्यूसर गैस है हमने देखी थी कि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन होती है, इन द सेंस ऑफ जो कोक को हीट करते हैं और उसके ऊपर इन द सेंस ऑफ एयर उसको हीट अप करते हैं, तो उसके अंदर नाइट्रोजन आ जाती है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। वाटर गैस के अंदर हम स्टीम डालते हैं कोक पे 1000 डिग्री पे गर्म करने के बाद, तो वो जो वाटर है वो हाइड्रोजन ले लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है और हाइड्रोजन एलिमेंट से वाटर से हाइड्रोजन बन जाती है इसके अंदर। इसमें फ्यूल और वेल्डिंग वर्क के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कोल गैस, कोल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं और इनर्ट एटमोसफेयर के अंदर यूज़ करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को एज अ लाफिंग गैस और सर्जरी में यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको सोडा वाटर और फायर एक्सटिंग्विशर के बीच में यूज़ किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉस्फोजन गैस CO Cl2, ग्रेफाइट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। डायमंड ऑर्नामेंट, ग्लास कटिंग, रॉक ड्रिलिंग एट्सेट्रा। अलम का यूज़ किया जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर और लेदर इंडस्ट्री के अंदर। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 18H2 पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड
Cl3 क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में इसका यूज़ किया जाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, कैमोमेल और इंसेक्टिसाइड्स कोरोजिव सब्लिमेट करने में यूज़ किया जाता है, मर्करी ऑक्साइड जो है HgO इसके ऑइंटमेंट और पॉइजन में इसका यूज़ किया जाता है, मर्करी थर्मोमेट्रिक वर्मिलियन और अमलगम में इसका यूज़ किया जाता है, जिंक सल्फाइड ZnS ये वाइट पिगमेंट पिगमेंट में इसका यूज़ एज अ वाइट पिगमेंट इसका यूज़ किया जाता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 7S2 लिथोफोन आई ऑइंटमेंट में यूज़ किया जाता है जिंक सल्फेट का, जिंक क्लोराइड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट यूज़ होता है, जिंक बैटरी में यूज़ होता है, कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम साइनाइड और एसिटिलीन गैस में यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl Cl इंसेक्टिसाइड ब्लीचिंग एक्शन में यूज़ होता है, कॉमन सॉल्ट केमिकल नेम है कॉमन सॉल्ट इज द सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट CSO4 2H2O सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइम एंड टूथ पेस्ट के अंदर यूज़ होता है, कॉपर सल्फेट एज अ इंसेक्टिसाइड और इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लू एंड ग्रीन ग्लास और प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम में यूज़ होता है, जो कॉपरस ऑक्साइड होता है CO2O रेड ग्लास और पेस्टिसाइड में यूज़ होता है, जो कॉपर होता है इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है कॉपर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 10S2 मेडिसिन और चिप ग्लास में यूज़ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 फायर एक्सटिंग्विशर बेकरी और रेजिडेंट में यूज़ होता है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा ग्लास इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री एंड रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज़ होता है, इसको वॉशिंग द केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 10S2, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इंसेक्टिसाइड में यूज़ होता है, हैवी वाटर D2O न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 2 2H2O oblique CSO4 1/2H2O ये स्टैचू या सर्जरी में यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाई हीटिंग जिप्सम एट 120 डिग्री सेल्सियस, 2 CSO4 2H2O यहाँ पे जिप्सम आ गया, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और वाटर के एलिमेंट जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और जो जिप्सम है वो कौन सी लैंड में यूज़ किया जाता है, वो बेसिक यानी क्षारीय भूमि के अंदर यूज किया जाता है, GB इसको याद रख सकते हैं, GB से G फॉर जिप्सम B फॉर बेसिक, बेसिक जो हमारी लैंड है यानी क्षारीय धरती है उसके अंदर हम जिप्सम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है, आई रिक्वेस्ट यू ये हमारा क्या वर्क कोड है, इफ़ यू लाइक आर वर्क काइंडली शेयर, 5 10 20 50 100 जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं काइंडली कंट्रीब्यूट थ्रू आर क्या वर्क कोड, और प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर आर प्लेलिस्ट ऑन व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम, यहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को इम्प्रूव करने के लिए अपने सजेशन मस्त ज़रूर दें, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, एंड बी हैप्पी, थैंक यू।